नमस्कार, हम मौजूद हैं रामलीला मैदान में। यहाँ पे CA NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता मौजूद, कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। कल अमित शाह पश्चिम बंगाल में आए थे। अमित शाह के आने के बाद यहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन चालू है। आइए इनसे पूछते हैं, आपका मांग क्या है? मांग ये है कि हम लोग माइनॉरिटी माने सिर्फ मुसलमान नहीं, इसमें हर जात शामिल है, सिख है, ईसाई है, जैन है और भी पारसी है, ये सब मिलकर हम लोग ये है कि माइनॉरिटी का जो उसका हकूक है, जो उनको डिमांड है, ये पूरा करना होगा। जैसे कि बहुत सारे सरकारी नौकरी में या और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ है जो नहीं मिल रहा है माइनॉरिटी को, ये डिमांड है। और जो हिंदुस्तान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्टी चल रहा है, ये सिर्फ एक तरह बाकरार, क्योंकि हम लोग भी जब आज़ाद किया था हिंदुस्तान को, उसमें माइनॉरिटी का बहुत बड़ा हाथ था। इसलिए ये हिंदुस्तान, ये जो भारत है, इसमें हम लोग भी यहाँ के नागरिक हैं और हर किस्म का जो सहूलियत है वो हम लोग को मिलना चाहिए। CA NRC पूरे देश में लागू होने वाला है, अमित शाह लागू करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। हम लोग लागू होना नहीं चाहिए, इसलिए कि CA नागरिक क्या चीज़ है बताइए। हमारे पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और जितने तमाम आइडेंटिटी के जितने कार्ड है सब हमारे पास है। हमारे वोट से वो प्राइम मिनिस्टर बन रहा, हमारे वोट से वो होम मिनिस्टर बन रहा। तो जब हमारे हर चीज़ काम में आ रहा है, हमारे कोई कोर्ट में या कहीं भी ऐसा बात नहीं है कि आप यहाँ का नागरिक नहीं है, फिर डबल से ये नागरिक देना ये करना क्या बात है, ये तो हम नहीं समझ। लोगों को आसाम में डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया, वो गलत किया गया है, वो हो नहीं सकता कभी, क्योंकि हमारे कानून, हम लोग को सेंटर CGI यानी सेंटर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये इजाज़त नहीं देगा कि यहाँ पर हर किस्म हर जात के लोग रहेंगे, सिर्फ किसी पर्टिकुलर जात को लेकर नहीं होगा, यही हमारा डिमांड है। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि मुसलमान कम्युनिटी के लोग मौजूद, यहाँ पे हर धर्म के लोग यहाँ आंदोलन प्रदर्शन में आए हैं। तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल ने ये आंदोलन यहाँ पे रामलीला मैदान में आयोजित किया है। अब तक प्रदर्शन जारी रखिएगा? प्रदर्शन जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक रहेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये लोग तरमीम करने की कोशिश करें कोई हेर फेर करने के लिए, तब भी हमारा रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें अधिकार दिए हैं वो छीनने नहीं दें किसी को। आसाम में डिटेंशन सेंटर बना के बहुत सारे लोगों को डिटेन कर दिया गया, उसका आप क्या कहें? उसके लिए लड़ाई, उसके लिए क्योंकि किस बने बिना पर उन्होंने किया है उसको, ये देखना होगा ना। बाहर यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता का कर्मी है। जब तक ममता बनर्जी यहाँ मुख्यमंत्री रहेंगी और जब तक हम लोग की नेत्री रहेगी तब तक यहाँ पर CA NRC यहाँ लग नहीं सकता है। अगर सरकार लागू कर देगी तो आप लोग इसके बाद क्या कदम उठाएंगे? जैसा विरोध पहले हुआ उससे भी ज्यादा विरोध होगा। तो एक बात क्लियर है कि माइनॉरिटी का मतलब लोग मुसलमान समझते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में माइनॉरिटी का मतलब हुआ मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन सब। आज यहाँ पर हमारे बीच क्रिश्चियन के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, पंजाबी के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, सब थे। और एक बात याद रखें, ये इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे है, तो इसका मतलब अगर पाकिस्तान में है तो वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी है, वो ये दिवस मना रहे हैं। बांग्लादेश में भी हिंदू भाई हमारे माइनॉरिटी दिवस मना रहे हैं। तो हमारा फ़र्ज बनता है कि दुनिया में जहाँ भी माइनॉरिटी हो, एक सच्चा और एक मजबूत लोकतंत्र और एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान उस वक्त बनता है जब वहाँ के माइनॉरिटी को उसका अधिकार मिलता है, जब उसका माइनॉरिटी को सर उठा के जीने का मौका मिलता है। लोग इसके लिए माइनॉरिटी डे का गठन किया गया और आज वो चीज़ हम लोग यहाँ पर दिखाने आए कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मजबूत माइनॉरिटी को अगर सर उठा के सम्मान मिलता है पूरे भारत में तो वो बंगाल में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। दूसरी बात मैं आखिरी बात बता दूं, जो अभी हमारा इंडिया गवर्नमेंट चल रहा है वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। NRC CA उसी का एक फॉर्मेट है जहां पर डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव किया जाए और माइनॉरिटी को एक अलग थलग करके कोने में कर देने की जो गंदी राजनीति चल रही है उसके खिलाफ हमारी नेत्री, हमारी प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार संघर्ष और लड़ाई कर रही है। वो दिल्ली में हमारे सुदीप बंदोपाध्याय लोकसभा लीडर इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग पश्चिम बंगाल की ज़मीन पर उसी लड़ाई को आने वाले 2024 तक हम लड़ते रहेंगे जब तक इस सरकार को दिल्ली से उखाड़ नहीं फेंका जाए। तमाम जितने भी सारे सुपर न्यूज़ 24 के जितने भी सारे दर्शक सभी को मेरा आदाब नमस्कार। आज का जो इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे था
तमाम पूरे मगरबी बंगाल से जितने भी हमारे माइनॉरिटी के भाई बहन बूढ़े बच्चे सभी लोगों ने यहाँ पर शिरकत दिया और सभी ने आज इकट्ठा करके ये दिखाया कि माइनॉरिटी किस तरीके से हमारे जो सुप्रीमो हैं हमारी दीदी ममता बनर्जी के साथ हैं और ऐसे भी हम लोग आगे सोचते हैं कि इसी तरीके से हम लोग काम करते रहेंगे। और जितने भी सारे आज हमारे भाई बहन जितने भी सारे लोग अब जितने भी सारे हमारे नेता सभी को आए सभी को मैं अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं भी हमारे भी सारे टीम पूरे हावड़ा से लगभग हम लोग मोर और लेस 400 से 500 के आसपास लगभग हम लोग आए हैं और सभी लोगों ने अपना अपना जितना भी तजुर्बा है ये दिखाया। सभी भी लोग अपने जितने भी सारे हमारे नेता हैं सभी लोगों ने आया और मैं कोशिश करता हूँ हमारी ये उम्मीद है कि आगे भी इस तरीके से हम लोग काम करते रहेंगे और दीदी को भी आगे हम लोग हमेशा के लिए हमें देखते ही रहेंगे इस तरीके से दीदी के।